हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? ऑल आर फाइन, वेरी गुड। लेट अस नाउ बिगिन न्यू चैप्टर, प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ए ट्राइंगल। माय डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपके एनसीईआरटी बुक के सिलेबस में नहीं है कहीं पे भी, ना तो 11th क्लास में है ना 12th में। आपके लिए ये बिल्कुल नया चैप्टर है। आपको इसमें सारे फॉर्मूले और कंसेप्ट मैं पहले आपको समझाऊंगा, आप एक बढ़िया सी नोटबुक में इनको लिखते रहना। इसमें हम पढ़ेंगे ट्राइंगल के 6 एलिमेंट, 3 साइड और 3 एंगल हो गए, देन साइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला, टेंजेंट फॉर्मूला, देन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ हाफ ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। देन वी विल स्टडी हाउ टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल, देन हाउ टू फाइंड रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल, देन हाउ टू फाइंड रेडियस ऑफ द एस्क्राइब्ड सर्कल्स ऑफ द ट्राइंगल। अभी एस्क्राइब्ड सर्कल्स होते हैं क्या, मैं आपको टॉपिक वाइज आपको समझाऊंगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे किसी रेगुलर पॉलीगन के अंदर एक सर्कल होगा, उसको इन सर्कल बोलते हैं, उसकी रेडियस कैसे पता करते हैं। देन रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड एन, उसका सर्कम सर्कल जो सर्कल बाहर होगा उसकी रेडियस कैसे मालूम करते हैं। देन हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ द रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड एन गिवन इट्स वन साइड एंड ईच एंगल एंड मैनी मोर। सो डियर स्टूडेंट्स, गेट रेडी। आपको सिर्फ थोड़ी मेहनत इसमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। शुरू का आधे घंटे का वीडियो आपको एक बार रिपीट करना पड़ेगा। प्लीज़ कीप ऑन मेकिंग द नोट्स एंड आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। ऑलराइट, रेडी नाउ? चलिए, पहला टॉपिक हमारा होगा नोटेशन। फर्स्ट में नोटेशन में क्या क्या होगा इस चैप्टर में, मतलब क्या सिंबल है, क्या चीज़। एक ट्राइंगल, लेट मी टेक ट्राइंगल ABC। अब ये आपने पहले 9th क्लास पढ़ा था, एंगल ए के सामने की साइड ए होती, बी के सामने की साइड बी, एंड दिस इज सी। तो देर आर 6 एलिमेंट ऑफ अ ट्राइंगल, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। ठीक है, ध्यान रखना, 6 एलिमेंट्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या हो गया, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। क्लियर? फिर ए प्लस बी प्लस सी को हम लोग बोलेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, इसको हम 2S बोलेंगे। एंड ए प्लस एस बोले तो ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, दैट विल बिकम एस, और वो हमारा होता सेमी सर्कम, ये क्या हो, पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, और दिस इज पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ। ये थोड़ा एक बार रिकैप कर लेते हैं। ओके, देन एरिया, दिस इज स्मॉल एस जेंटलमैन, एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी डिनोटेड बाई कैपिटल एस और सिंपली ए डेल्टा। ये नोटेशंस आप याद रखना, नोट कर लेना। ओके, नोट कर लिया, सिंबल्स 2S पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, दैट इज सेमी पेरीमीटर, एरिया विल बी डिनोटेड बाई कैपिटल एस और डेल्टा, ट्राइंगल का छोटा सा सिंबल होगा, नोट कर लो इसको आराम से। अब आ गया हमारा साइन फॉर्मूला। प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना, ये साइन फॉर्मूला काफी काम का, साइन ऑफ ए बाई ए, साइन बी बाई बी, कोरेस्पोंडिंग एंगल के साइन सी बाई सी। साइन ए बाई ए, ए इज द साइड ऑफ द ऑपोजिट एंगल ए, तो उस एंगल का साइन डिवाइडेड बाई ऑपोजिट साइन। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट दिस एस, यू कैन राइट ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू साइन ए
रेशियो साइन बी, रेशियो साइन, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये आपको यू कैन कंपेयर एनी टू या ऑल थ्री भी कंपेयर कर सकते हैं। आपको कुछ क्वांटिटी दी होगी, कुछ एलिमेंट दिए होंगे, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट आपको पता करने होंगे। ये बहुत आसान, इजी टू रिमेंबर, साइन ए बाई ए, साइन बी बाई बी, साइन सी बाई सी, जस्ट रिमेंबर इट। लेट अस हैव एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन इट फॉर यू। एक एग्जांपल देते हैं, आप करते रहिएगा, लिखते रहो लिखते रहो। पहला फॉर्मूला, अब ये लो आपके लिए एग्जाम्पल आ गया। इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी 120, एंगल सी 30 एंड ए इक्वल टू 4, देन डिटरमाइन इट्स रिमेनिंग टू साइड्स। कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं आपको। मैं ऊपर वाला फॉर्मूला आप अच्छा इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, साइन ए बाई ए, साइन बी बाई बी, साइन सी बाई, इन्वर्टेड यू कैन एड ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी एंड सी बाई साइन सी। सो बहुत आसान, एंगल ए बी सी, तो एंगल कितना हो गया, एंगल ए कितना बना, सॉल्यूशन एंगल ए कितना हो गया, ये वापस निकाल लो, 120 तो 150, एंगल ए ऑल्सो 30 डिग्री। अब आपके पास फॉर्मूला, या यू कैन यूज लाइक दिस ऑल्सो, साइन 30 डिग्री बाई बी कितना है, साइन 120 डिग्री, और अगेन सी साइन 30 डिग्री। हाउ मच इज ए, एगुण 4, और ये बी और ये सी आप पड़ा। अब देखो बच्चों, साइन 30 हो गया 1/2 बाई 4 इक्वल टू साइन 120 कितना होता पता है, साइन 120 इट इज रूट 3/2 बाई बी, अब ये कैसे 1/2 बाई सी, ठीक है। अब देखो ये सॉल्व करो आप, इसको इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बी मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल, बी इक्वल टू क्या मिलेगा, 4√3 एंड 1/2 1/2, इसको इसको कंपेयर करेंगे सी इक्वल टू आपको मिलेगा 4। इजी, कैसा रहा, इंटरेस्टिंग। याद रखना साइन ए बाई ए, साइन बी बाई बी, साइन सी बाई सी, वेरी ऑफन यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड फॉर्मूला, साइन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी में जितने भी फॉर्मूले पढ़े उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला, साइन फॉर्मूला। नोट करते रहो, इसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस में करेंगे। कोसाइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा, बाकी आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, तो लेट मी राइट कॉस ऑफ ए, कॉस ए यहां कौन गायब है, लेटर बी एंड सी मिसिंग है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। अब जैसे ऑब्जर्व करो, ये बी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, बी स्क्वायर सी स्क्वायर नीचे 2bc, जो एंगल है उसका माइनस का स्क्वायर कर दो उसके सामने के साइड का। सिमिलरली यू कैन राइट द रिजल्ट फॉर कॉस ऑफ बी एंड यू कैन राइट रिजल्ट ऑफ कॉस ऑफ सी। क्या बनेगा बी में, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac, और दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab, बी सी ए सी सी, ठीक है। ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कब यूज होगा मैं बताऊंगा, जब आप यहाँ कितनी चीजें हैं, एक तो एंगल है और 3 साइड है, तो यहाँ पे टोटल 4 एलिमेंट हैं, आपको कोई 3 दिया जाएगा, बाकी आपसे मालूम करने को पूछ सकता है, ठीक है। 3 देगा और एक आपसे पूछेगा, 3 एलिमेंट देगा, एक आपसे पूछेगा, तीनों साइड दे देगा आपको, एक एंगल पूछ लेगा आपको, बाकी एंगल पूछ लेगा, ठीक है। तीनों साइड देगा आपको, ए बी सी, ए कॉस बी, यानी एंगल है एंगल बी मालूम करना, या एंगल सी मालूम करना पूछ सकता है, या एक एंगल देगा और दो साइड देगा तो आपको रिमेनिंग साइड मालूम करना होगा। इंटरेस्टिंग, नोट करते रहो। कॉस ए इजी, अभी आपको साइन फॉर्मूला हो गया, कोसाइन फॉर्मूला दो हो गया, दोनों को वापस लिख, एक तो चीज लिखते रहना, नोट्स बनाओगे तो आपके लिए कन्वीनियंट होगा, बार बार वीडियो को रिवाइंड करके देखना काफी मुश्किल होगा, इट विल बी टाइम टेकिंग। नोट कर लो, एग्जाम्पल नंबर 2 ले सकते हैं, बेस्ड ऑन दिस कोसाइन फॉर्मूला। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए 3 बी 4 सी 6 सेंटीमीटर मान लो, कुछ मान लो, फाइंड एंगल बी, विच फॉर्मूला विल यू अप्लाई, तो कॉस 4 हिंट कर सकते हैं आपके लिए,
सॉल्यूशन में हिंट क्या, सॉल्यूशन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस ऑफ बी क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई टू ए सी। अब कितना हो गया, ए स्क्वायर बोलो तो 3 का स्क्वायर 9 एंड सी स्क्वायर 36, तो 9 प्लस 36 माइनस बी स्क्वायर दैट इज 16 बाई टू ए सी, टू इंटू हाउ मच इट इज ए 3 6, ये कितना हो गया, 2 into 3 into 6 हो गया ना, ओके 2 into 6 ए सी। अब ये हो जाएगा आपका, ये दिस इज हाउ मच इट बिकम्स 45 माइनस 629 बाई 2 3 6 36, 29 by 36, सो एंगल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स 29 by 36 ये आंसर। अब एक चीज ध्यान रखना, कॉस का रेंज क्या होगा, -1 to 1 होता है, तो आपका आंसर 1 से बड़ा नहीं आ सकता और -1 से छोटा नहीं आ सकता। कहीं कैलकुलेशन में अगर प्रॉब्लम हो तो चेक कर लेना, ओके। तो दिस इज द वे हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला वगैरह वगैरह, बढ़िया। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं आप लोग। फॉर्मूला नंबर 4 इज प्रोजेक्शन फॉर्मूला। पहले तो मैं फॉर्मूला लिखा देता हूं, फिर वो देखते हैं वो क्या काम आता है। देखो ए इक्वल टू बी कॉस सी, बी इंटू कॉस ऑफ सी प्लस सी इंटू कॉस ऑफ बी। अब इसको थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा, यहां ए है तो बी इंटू कॉस सी प्लस सी इंटू कॉस बी, मतलब दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड साइड ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन अदर टू साइड्स एंड द ऑपोजिट एंगल्स आर गिवन। फिर से बोल रहा हूं, ये फॉर्मूला किसी ट्राइंगल की भुजा की लंबाई को मालूम करने में इस्तेमाल किया जाता है जब बाकी दो भुजाएं और उनके सामने के कोण दिए हुए हो। तो सिमिलरली यू कैन राइट बी, बी इक्वल टू कौन होगा, ए कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ओके ए सी सी बी, सी कॉस ए, आई एम सॉरी बी सी सी बी, ठीक। लेटर जो यहां आ गया, यहां रिपीट नहीं होगा, स्मॉल सी इट इज ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, ए बी बी ए। तो दीज आर द प्रोजेक्शन फॉर्मूला, मैं फिर लिखवा देता हूं, मैं अब लिखिएगा, दिस फॉर्मूला इज यूज टू फाइंड साइड ऑफ द ट्राइंगल व्हेन इट्स रिमेनिंग टू साइड्स एंड द ऑपोजिट एंगल्स आर गिवन। आप ये नोट कर लो, ठीक है, फिर मैं अभी जो मैं बोल रहा हूं मैं लिखूंगा, आप उसको कॉपी कर लेना, बिना मतलब वीडियो लंबा ना बने। ये चीज नोट कर लो आप, दिस इज यूज्ड टू फाइंड साइड ऑफ द ट्राइंगल व्हेन इट्स अदर टू साइड्स एंड देयर ऑपोजिट एंगल्स आर गिवन। लिख लो इसको, पॉज करके ये सारी चीजें नोट करते रहो प्यारे विद्यार्थियों। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर है। बाकी तो जितने भी चैप्टर हैं आपने एनसीईआरटी बुक में कहीं ना कहीं पढ़े हुए, इसलिए वो थोड़े आपको ईजी लग रहे हैं, ये भी ईजी। सिर्फ ये जो फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ वो याद कर लेना, 10-12 फॉर्मूले हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, साइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, अब पढ़ते हैं टेंजेंट फॉर्मूला। ये लिखो, अब आगे टेंजेंट फॉर्मूला मैं लिखता हूं आपके लिए। पहला टेंजेंट फॉर्मूला, देखो एक लिखने के बाद तुम आप स्मार्ट हो, मैं लिखूंगा टेन ऑफ बी माइनस सी बाई टू, ठीक है, ये हो जाएगा देखो बी माइनस सी बाई बी प्लस सी कोट ऑफ ए बाई टू। ऑब्जर्व करना, बी माइनस सी एंगल हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ द एंगल, अगर उनका टेंजेंट लिया जाए तो बी माइनस सी बाई बी प्लस सी, और यहाँ कोण गायब है, बी एंड सी है, ए नहीं, तो कोट ऑफ ए बाई टू। सिमिलरली आप लिख सकते हैं, बी माइनस सी हो गया तो टेन ए माइनस बी बाई टू भी आप लिख सकते हैं, एंड बी माइनस सी
ए माइनस बी हो जाएगा, देन टेन ऑफ सी माइनस ए बाई टू लिख सकते हैं आप डिफरेंस का, कैन यू राइट वेरी इजीली, आप लिख दो आप सिंपल। तो ये ए माइनस बी बाई ए प्लस बी यहाँ लिख दो, दिस इज सी माइनस ए बाई सी प्लस ए लिख दो, और यह कोट कोट ए बी है तो सी नहीं है तो सी बाई टू, या सी एंड ए है तो बी बाई टू, याद रखना। एक के साथ दो फ्री है, एक के साथ दो फ्री, बाय वन गेट थ्री, ऐसा ऑफर आपको सिर्फ यहां मिलेगा। ओके तो अभी आपने साइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला एंड देन टेंजेंट फॉर्मूला, चार फॉर्मूला आपने पढ़िए, जितने लिखे उनके एक बार कंपेयर कीजिएगा, याद रखना यही है और कुछ है नहीं। और जितने भी आप प्रैक्टिस के क्वेश्चन करेंगे इन्हीं फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी और कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लिख लो आप इसको, नोट कर लो आराम से। ये वाले फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ हाफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, यहां साइन ए बाई टू, कोस ए बाई टू, टेन ए बाई टू, तीन याद करना। साइन ए बाई टू किया तो बाकी दो उसके साथ फ्री है। ऑब्जर्व दीज फॉर्मूले वेरी केयरफुली। साइन ऑफ ए बाई टू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी पूरे का स्क्वायर। बी वेरी वेरी या यू शुड हैव कीन ऑब्जर्वेशन, यहाँ एंगल ए है तो ए ए को छोड़ दो, बाकी बी एंड सी बच गए तो एस माइनस बी एस माइनस सी, और बी और सी तो बी सी, ए नहीं है तो बी, तो नीचे बी सी कर दो। सिमिलरली साइन बी बाई टू एंड साइन सी बाई टू कैन ऑल्सो बी रिटर्न विदाउट पुटिंग एनी मच प्रेशर ऑन योर ब्रेन। नाउ इसमें इसमें कंपेयर कोस ए बाई टू एस इंड एस माइनस ए बाई बी सी, डिनोमिनेटर में तो या साइन ए बाई टू में भी बी सी है और इसमें बी सी, ये पूरा क्वांटिटी रेडिकल साइन के अंदर ही है, कोई समस्या नहीं। साइन ए बाई टू में डिवाइडेड डिनोमिनेटर बी सी, इधर भी बी सी, कंपेयर करना साइन ए बाई टू का न्यूमरेटर एस माइनस बी एस माइनस सी है, इसका न्यूमरेटर एस इंटू एस माइनस ए है, स्क्वायर रूट तो है ही। सिमिलरली कोस ए बाई टू एंड कोस बी बाई टू कैन ऑल्सो बी रिटर्न। नाउ हाउ टू राइट टेन ए बाई टू, डिवाइड साइन ए बाई टू बाई कोस ए बाई टू, रूट बी सी, रूट बी सी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी बचा, नीचे एस इंटू एस माइनस ए बच गया। सिमिलरली टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू कैन ऑल्सो बी रिटर्न। अब मैं इसको आप कर सकते हैं अंडर रूट के अंदर ही एस इंटू एस माइनस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, तो इधर एस इंटू एस माइनस ए को होल स्क्वायर हो जाएगा, वो बनेगा एस इंटू एस माइनस ए, ऊपर क्या बनेगा, दिस इज एरिया ऑफ द ट्राइंगल। लाइक वाइज दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एरिया ऑफ द ट्राइंगल बाई एस इंटू एस माइनस बी, एरिया ऑफ द ट्राइंगल बाई एस इंटू एस माइनस सी। ये है हाफ एंगल वाले फॉर्मूला, साइन ए बाई टू, कोस ए बाई टू, टेन ए बाई टू। आप सिर्फ इसको कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो, बाकी आपके साथ फ्री में है। टोटल तीन तीन तीन, नौ फॉर्मूले, नौ और तीन बारह, तो सिर्फ तीन याद कर लो, नौ आपके साथ फ्री में आ जाएंगे। ठीक है, लिखो याद करो, ज्यादा नहीं है अभी, लिख लो आराम से। फॉर्मूला नंबर सेवन आप लिखिए, सातवां फॉर्मूला, एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स के बहुत सारे मेथड, तीन मेथड है। ये तो आपने वेक्टर फॉर्मूला में पढ़ा था, वेक्टर का चैप्टर था मैथमेटिक्स में। एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल वन बाई टू बी सी साइन है, मीन्स सपोज ये साइड ए साइड बी और दिस इज, ये मान लो आई विल टेक ए बी सी, तो दिस इफ दिस एंगल इज गिवन, सपोज ये एंगल 30 डिग्री है और ये हो गया 3 एंड ये हो गया 5 या 3 एंड 4 वाट एवर इट इज, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, 1 बाई टू 3 इंटू 4 इंटू साइन 30,
ऐसा ही नहीं होगा, 1/2, 3 × 1/2 ए बी, दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का प्रोडक्ट एंड साइन ऑफ द एंगल इंक्लूडेड बाय द साइड। ये तो बहुत आसान है, पहला फॉर्मूला आपको याद हो गया। अब 1/2 CA sin B, 1/2 AB sin, याद रखना इसको। तो इस फॉर्मूले से आप साइन ए क्या होगा, इससे आप निकाल सकते हैं 2 area by BC, साइन बी 2 area by CA, साइन सी 2 area by AB। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड द साइड्स। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैन बी फाउंड यूजिंग दिस फॉर्मूला ऑल्सो, ए स्क्वायर साइन बी साइन सी डिवाइडेड बाई 2 × sin of B + C। लाइक वाइज यू कैन यूज दीज टू फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब आपने क्लास 9th में पढ़ा था हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करके एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ये तो आपको ऑलरेडी आता है, ऑलरेडी यू आर फेमिलियर विद। अब एक नोट करते हैं ये वाला, देखो मैं समझाता हूं आपको। साइन ए बाई ए, तो साइन ए कितना है यहां पे, देखो साइन ए कितना है, ये तो आपको ऑलरेडी साइन ए बाई ए, साइन बी बाई बी, साइन सी बाई सी, ये ऑलरेडी आपको आता है। साइन ए कितना है, 2 area by BC। तो मैं साइन ए इधर में ए से डिवाइड करूं तो नीचे भी ए से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 2 area, क्या दिस विल बी इक्वल हाउ मच, 2 × area by ABC। ये सब आ रहा है 2 × area by ABC, ये भी सेम ही है, ये भी सेम ही है, 2 area by ABC, 2 area by ABC, ऑलराइट। मल्टीप्लाई यहां पे उसको क्या आ गया, साइन बी इक्वल टू 2 area by CA। मैं यहां पे इसको क्या करूंगा, बी से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे बी से भी मल्टीप्लाई करूंगा नीचे, और यू कैन से डिवाइड बाय बी बोथ साइड, तो 2 area by ABC। दैट मीन्स वी कैन राइट साइन ए बाई ए, साइन बी बाई बी, साइन सी बाई ऑल आर इक्वल। सो वी कैन कंक्लूड साइन ए बाई ए, साइन बी बाई बी, साइन सी बाई सी, दैट इज इक्वल टू 2 area by ABC, ये भी। अब 2 area by ABC को हम लिख सकते हैं 1/2 R। वाट इज R हियर, R इज द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। ये ट्राइंगल बन गया आपका, दिस इज R, ये मान लो ABC है, दिस वन इज R, R इज द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। R क्या है, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, अभी मैं इसी के अगले टॉपिक पढ़ूंगा। तो R ऐसे होता क्या है, ABC भाई, जहां पे R लिखते हैं R इज ABC/4 × area, R इक्वल टू ABC/4 area होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही होगा, तो आप ये नोट कर लो, साइन ए बाई ए, साइन बी बाई बी, साइन सी बाई सी, दैट इज इक्वल टू 2 area by ABC, 2 area by, क्योंकि ये तो आपने पढ़ा था, उसके आगे ऐड कर सकते हैं 2 into area ऑफ द ट्राइंगल बाई ABC, और दैट कैन बी रिटन 1/2 R। और R खुद क्या होता है, ABC प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 sides डिवाइडेड बाई 4 into area ऑफ द गिवन ट्राइंगल। इसको लिखो आप, नोट कर लो, चलो करो, आपके लिए ये रहा है एक एग्जाम्पल, 7th फॉर्मूले के ऊपर ही आधारित है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल अभी आपने लिखा। एग्जाम्पल, ट्राइंगल ABC दिया हुआ, 3 sides आर गिवन ABC, फाइंड इट्स एरिया एंड एंगल A, ठीक। अब ये से तो पता लग रहा है ABC 3² + 4² + 5² होता है, एंगल सी 90 degree है, बिकॉज पाइथागोरस लागू होता है, बट एंगल ए पता करना। प्यारे बच्चों, आपको एंगल ए, तो एरिया के लिए आप क्या करना, एंगल दिया नहीं, एंगल देता तो हम कर लेते सीधा,
तो उसके लिए हीरोन फॉर्मूला एस क्या हो गया, 3+4+5/2, 3, 4, 7, 5, 12, 6। तो एस माइनस ए कितना, एस माइनस बी कितना, एस माइनस सी कितना, एस माइनस ए 6-3, 6-4, 6-5, 3, 2, 1। तो एरिया कितना हो गया, एस इंटू यानी मैं 6 × 3 × 2 × 1, 18 × 36, तो एरिया इक्वल टू 6 आ गया। अब क्या होगा, आपको पता है एंगल है क्या होगा बताइए। आपने पढ़ा एरिया इक्वल टू 1/2 BC sin A, अब एंगल पता करना साइन ए लेंगे, तो साइन ए क्या हो गया 2 area by BC। ये भी फॉर्मूले पढ़ा आपने, 2 area that is 2 × 6/B × C कितना है 4 × 5, ये कितना हो गया 3/5। सो एंगल ए कितना हुआ साइन इनवर्स, कितना आसान, सपने में भी आपने सोचा नहीं था कि इतनी सिंपल चीजें आपको मिलेगी और आप अब तक इनसे अनभिज्ञ थे। लिख लो, अगला टॉपिक शुरू करने से पहले ये नोट कर लो। अब रेडियाई ऑफ सर्कल्स कनेक्टेड विद ट्राइंगल, मैंने बिगिनिंग बोला था हम पहले पढ़ेंगे सर्कम रेडियस, देन इन रेडियस, देन रेडियाई ऑफ द एस्क्राइब्ड सर्कल्स। तो ये सबसे पहले हम सर्कम रेडियस होता है क्या, सर्कम रेडियस में मतलब आपका ट्राइंगल अंदर है और सर्कल बाहर है, दिस इज द ट्राइंगल ABC और ये सेंटर द सर्कल, दिस इज द रेडियस, ये सर्कम सर्कल है, सर्कम सर्कल है ठीक है। दिस आपने देखो पढ़ा था, अभी आपने क्या पढ़ा था साइन ए बाई ए, आपने पढ़ा था साइन ए बाई ए, पढ़ा था साइन बी बाई बी, साइन सी बाई सी, वो क्या पढ़ा था 1/2 R। सो 1/2 R, सो आप इसको किसी को कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर कीजिएगा, R इक्वल टू क्या गया A/2 sin A आएगा, R इक्वल टू A/2 sin A, सो वी कैन राइट R इक्वल टू A/2 sin A, या इसको करेंगे आप इसको कंपेयर करेंगे 2R, 2B sin R sin B = B, तो दैट कैन बी रिटन एस B/2 sin B, सिमिलरली C/2 sin C। अच्छा आप देखो, कोई भी ले लो आप, मैं लेता हूं C/2 sin C, इसको ऊपर नीचे AB से मल्टीप्लाई करो, तो AB C तो पहले था, AB से मल्टीप्लाई कर दिया 2AB sin C। अब यहां पे क्या आ जाएगा, और दिस R इक्वल टू क्या बनेगा आपका, ये क्या ABC/, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, 2 तो है हमारा 2 × 1/2 AB sin C, तो ये क्या बना ABC/4 × 1/2 AB sin C, दिस हैज बिकम ABC/4 delta, 1/2 AB sin C इज डेल्टा, दैट इज एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो दैट मीन्स R कैन बी रिटन ABC/4 delta, A/2 sin A, B/2 sin B, C/2 sin C, अगर आपको कोई एंगल नहीं दिया है तो आप और तीनों साइड दी, यू कैन फाइंड द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल, ये काफी काम का फॉर्मूला, इसको लिख लो आप।
सर्कम सर्कुलर पर ट्राइंगल ए बाई टू साइन ए बी बाई टू साइन बी सी बाई टू साइन सी ए बी सी बाई फोर इंटू एरिया ऑफ द ट्राइंगल। माई डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूले आपने पहले कभी पढ़े नहीं थे इसलिए आपको थोड़ा हार्ड लग रहे हैं, एक बार फॉर्मूले रिवाइज कर लो, लिख लो नोटबुक में, देन दे विल बी वेरी इजी फॉर यू। नोट कर लो, ओके। अब इन रेडियस देखो, वो सर्कम रेडियस था, इन रेडियस में सर्कल अंदर होता है। सपोज सॉरी, यहां पे मैं एक सर्कल बना दूं और एक ट्राइंगल बन गया, ऑनलाइन ट्राइंगल एबीसी और ये सर्कल का सेंटर है। इन रेडियस क्या हो गया, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द साइड, ये इन रेडियस, दिस इज इन रेडियस, दिस वन इज इन रेडियस, यहां से यहां तक डिस्टेंस। अभी इनको कैसे पता करते हैं, मैं तीन चार फॉर्मूले में आपको पहले लिख देता हूं फिर समझा देता हूं, ठीक है। सर्कम रेडियस में सर्कल बाहर होता है, इन रेडियस में सर्कल अंदर होता है, इसलिए इसके सेंटर, इसको इन सेंटर बोलते हैं, उसको सर्कम सेंटर बोलते हैं, ठीक है, ओके। इन सेंटर नहीं होता, दिस इज सर्कम सेंटर, ठीक। इन सेंटर इज द एंगल बाइसेक्टर वाला होता है, ओके। आ गया इन रेडियस, अभी आपको डायग्राम समझा दिया, मैंने डायग्राम यहां बना दिया वापस। All three sides of the triangle will act as tangent. ठीक है, ये perpendicular है, this is center. ठीक, अब r equal to area of the triangle by its half of the perimeter. आपको डेल्टा by s, सिंपल डेल्टा by s. अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था स्टार्टिंग में, हाफ एंगल वाला, टेन ए बाई टू आपने पढ़ा था, एरिया इंटू एरिया एस इंटू एस माइनस ए। अब डेल्टा बाई एस क्या होगा, मैं एस माइनस ए इधर ले लेता हूं, डेल्टा बाई एस क्या होगा, दिस इज, यानी डेल्टा बाई एस विल बिकम एस माइनस ए इंटू टेन ऑफ ए बाई टू। तो ये डेल्टा बाई एस का वैल्यू आप यहां डाल दो तो आर विल बिकम एस माइनस ए टेन ए बाई टू, एस माइनस बी टेन बी बाई टू, एस माइनस सी टेन सी बाई टू। माई डियर स्टूडेंट, ये सारे फॉर्मूले एक दूसरे से कनेक्टेड, एक बार आप याद कर लो, आपको सिर्फ आधे घंटे की मेहनत लगेगी। पहली बार में आधा घंटा, दूसरी बार रिविजन में 20 मिनट, और थर्ड टाइम इट विल टेक 10 मिनट्स ओनली, ठीक है। या फिर 4R साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, इफ ऑल द एंगल्स आर गिवन एंड दिस इज द सर्कम रेडियस इज गिवन, रिलेशन बिटवीन आर कैपिटल आर एंड एंगल ए बी एंड सी, कीप ऑन नोटिंग डाउन। अगला टॉपिक आ गया रेडियाई ऑफ सर्कल, दिस इज एस्क्राइब्ड सर्कल्स ऑफ ट्राइंगल। अब ये होता क्या मैं बताऊं आपको, पहले तो आप सभी साइड को दोनों तरफ एक्सटेंड कर दीजिएगा, एक्सटेंड दिस साइड, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। अब आप यहां जो ट्रायंगल बनेगा बाहर की तरफ, एक ये साइड बी सी एंड दो एक्सटेंडेड साइड अगर टेंजेंट का काम करे, एक बड़ा सा सर्कल बनेगा। नॉट एबल टू ड्रॉ द, एंगल ए के सामने जो ट्रायंगल बनेगा, ये सर्कल बाहर होगा ट्रायंगल के, वन साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड बाकी एक्सटेंडेड साइड विल बी टचिंग द सर्कल, ये आर वन होगा इसका, एंगल ए के सामने वाला सर्कल बनेगा आर वन और इधर कोई बनेगा सर्कल, उसकी रेडियस को आप आर टू दे देंगे, ठीक है।
सॉरी एंगल सी के सामने आर थ्री, एंगल बी के सामने आर टू, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आर वन आर टू एंड आर थ्री पहले तो आपको मालूम होना चाहिए होता क्या। दीज आर द एस रेडियस ऑफ द एस्क्राइब्ड सर्कल्स, रेडियस ऑफ द एस्क्राइब्ड सर्कल्स, ये आपको डायग्राम बना लो पहले। आ जाओ रेडियस ऑफ एस्क्राइब्ड सर्कल्स ऑफ अ ट्राइंगल, हाउ टू फाइंड दिस। डायग्राम आपके सामने पड़ा है। आर वन इस सर्कल का रेडियस, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, गिवन ट्राइंगल एबीसी बाय एस माइनस ए, ये साइड ए है, दिस इज साइड ए, तो एस माइनस एरिया बाय एस माइनस ए, ठीक है। आर टू एरिया बाय एस माइनस बी, आर थ्री एरिया बाय एस माइनस सी। अब आर वन इज एस टेन ए बाय टू भी लिख सकते हैं, आर टू एस टेन बी बाय टू, आर थ्री एस तीन सी बाई टू भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना। और अगर आपको एंगल्स दिए हुए तीनों एंगल्स ए बी सी, तो दैट कैन बी रिटन फोर इंटू आर, फोर आर के आर इज द सर्कम रेडियस मल्टीप्लाइड बाई साइन ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू। आर वन है, यहाँ देखो हर जगह एक बार साइन है दो बार कॉस है। आर वन में, आर वन में साइन ए बाई टू हो गया, आर टू में साइन बी बाई टू हो गया, आर थ्री में साइन सी बाई टू हो गया, ओके। एक तो ये, अब ये वन बाई आर इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री, ये आर क्या है, ये आर अंदर वाले ट्राइंगल का रेडियस है इसका। इस ट्राइंगल का इन रेडियस, जहां पे आर हमारा इन रेडियस है, ये भी कर सकते हैं। और ये आपने पढ़ा था, इसको बराबर ये भी लिख सकते हैं, आर इक्वल टू एस बाई डेल्टा था और डेल्टा बाई एस, तो ये एस बाई डेल्टा बनेगा। ये हो गया आपका। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूं, याद रखना बच्चों, कैपिटल आर ए बी सी बाई फोर इंटू एरिया एंड स्मॉल आर क्या बनेगा, डेल्टा बाई एस। सर्कम रेडियस प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स डिवाइडेड बाई फोर इंटू एरिया, इन रेडियस एरिया बाई एस, स्मॉल एस है, ठीक है। ये दो फॉर्मूला याद रखना, और ये भी तो याद रखने ही रखना। अब आपके आपको मैं देता हूँ एक न्यूमेरिकल बेस्ट ऑन दिस, इसके ऊपर आधार दिया, आप जो भी आपने जितना पढ़ा, एक न्यूमेरिकल देता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ, न्यूमेरिकल क्या एग्जाम्पल ही देता हूँ मैं आपको, ये सारे न्यूमेरिकल थे मैथ में। एग्जाम्पल नंबर फोर, ये रहा आपके सामने इन ट्राइंगल ए बी सी, ए 25 बी 52 सी 63, फाइंड वैल्यूज ऑफ आर, आर वन आर टू एंड आर थ्री, ओके। ट्राइंगल ए बी सी में ध्यान रखना बच्चों, अब आपने जितने फॉर्मूले पढ़े उन्हीं का यूज होगा। मैं आपको हिंट दे दूं पहले, हिंट में आप पता करेंगे फाइंड एरिया यूजिंग योर ओन फॉर्मूला। देन नंबर टू में आपको आर क्या हो जाएगा, आर विल बी ए बी सी बाई फोर डेल्टा। नंबर थर्ड आंसर आपका आर विल बी डेल्टा बाई एस हो जाएगा, एस इज ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। एंड नंबर फोर में आर वन होगा आपका डेल्टा बाई एस माइनस ए, आर टू डेल्टा बाई एस माइनस बी, आर थ्री डेल्टा माइनस एस डेल्टा बाई एस माइनस सी। यूजिंग दिस फॉर्मूला प्लीज प्रोसीड, टेक 5 or 6 minutes टाइम। आप करो फिर मैं सॉल्यूशन करता हूँ, आप अपना सॉल्यूशन करके वीडियो को प्ले करके अपना आंसर मैच कीजिएगा। ये रहा आपका सॉल्यूशन आपके सामने, मैच योर आंसर, क्या आपका सही है। एस 70 आ गया, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, नो मैच, मैच योर कैलकुलेशन। नो आप तो परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, एरिया इज फाउंड टू बी 630 यूनिट्स स्क्वायर यूनिट्स। देन सर्कम रेडियस ए बी सी बाई फोर इंटू एरिया
65/2 आया। जहां आपका कैलकुलेशन में दिक्कत है प्लीज उसको रीचेक करके लिख लीजिएगा। एंड इन रेडियस एरिया बाई एस 630/70 आपको 9 यूनिट्स मिला। दीज आर द एस्क्राइब्ड रेडियस आर वन आर टू आर थ्री एस एरिया बाई एस माइनस ए एरिया बाई एस माइनस बी एरिया बाई एस माइनस सी। आफ्टर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन द आंसर्स आर 14, 35, 90। ऑब्जर्व करना इन रेडियस से एस्क्राइब्ड रेडियस बड़ी होती है। ये 9 है तो 14, 35, 90। ये जो है सर्कम रेडियस इसका कोई जरूरी, ये बड़ी भी हो सकती है इनसे छोटी भी हो सकती है, इन रेडियस में ये सर्कल अंदर होता है। ठीक है, नोट करो। एक बार जितना आपने पढ़ा उनका रीकैप, साइन ए बाई ए, साइन बी बाई बी, साइन सी बाई सी। अगर आप किसी दो को कंपेयर करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें ना, बी साइन ए, ए साइन बी, तो दिस विल बी बी साइन एक्वल ए साइन बी। और यू कैन टेक, इसको कर सकते हैं सी साइन बी इक्वल टू बी साइन ए, ए इंटू साइन बी, बी इंटू साइन, ये भी यूज कर सकते हैं जरूरत पड़ी। फिर साइन ए आपने पढ़ा था टू एरिया बाई बी सी, और आप साइन बी, तो सिमिलरली साइन बी एंड साइन सी कैन बी फाउंड। साइन बी टू एरिया बाई ए सी, साइन सी टू एरिया बाई ए बी। टेन ए बाई टू एरिया बाई एस इंटू एस माइनस ए, तो टेन बी बाई टू एंड टेन सी बाई टू कैन बी ऑब्टेन। टेन बी बाई टू विल बी वन एरिया बाई एस इंटू एस माइनस बी, टेन सी बाई टू रिप्लेस ए बाई सी। ये एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस सी, तो सिमिलर रिजल्ट्स फॉर टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू कैन बी ऑब्टेन। आप सिर्फ इतना याद रख लो, कॉस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बाई टू बी डी सी, कोसाइन फॉर्मूला या साइन फॉर्मूला हो गया। सर्कम रेडियस ए बी सी बाई फोर डेल्टा, इन रेडियस डेल्टा बाई एस, एस्क्राइब्ड रेडियस आर वन डेल्टा बाई एस माइनस ए, आर टू इज डेल्टा बाई एस माइनस बी, आर थ्री डेल्टा बाई एस माइनस सी। ये आपका रिकेप एक बार फटाफट याद कर लो। और एक वो भी था वन बाई आर इक्वल वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेडियस ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन हैविंग साइड ए, द लेंथ ऑफ ईच साइड इज ए एंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन बी एन, देन रेडियस ऑफ इट्स सर्कम सर्कल दैट इज कैपिटल आर इज गिवन बाई ए बाई टू कोसेक पाई बाई एन। रेडियस ऑफ इट्स इन सर्कल इज गिवन बाई स्मॉल आर इक्वल टू ए बाई टू कोट पाई बाई एन। नाउ रिलेशन बिटवीन कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, इफ यू डिवाइड दिस बाई दिस, आर बाई आर ए बाई टू गेट कैंसल आउट, देन यू गेट आर बाई आर इक्वल टू कॉस पाई बाई एन। रिमेंबर दिस रिजल्ट, एंड एरिया ऑफ दैट पॉलीगन कैन बी फाउंड बाई यूजिंग 1, 2, 3 फॉर्मूला। एन इज द नंबर ऑफ साइड, एन ए स्क्वायर बाई फोर कोट पाई बाई एन, दैट कैन बी रिटन। अगर आपको इन सर्कल की रेडियस यानी इन रेडियस दे रखी है या रेडियस रेडियस ऑफ इन सर्कल, देन एन आर इज को 10 पाई बाई एन। अगर आपको सर्कम सर्कल की रेडियस दे रखी है देन एन आर इज को साइन 2 पाई बाई एन। मैं फिर से बता रहा हूं, एन इज द नंबर ऑफ साइड, वो तो हर बार देगा आपको। अगर आपको साइड दे रखी, लेंथ ऑफ ईच साइड इज गिवन, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। अगर आपको इन सर्कल की रेडियस दे रखी, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। अगर आपको सर्कम सर्कल की रेडियस दे रखी है, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, एन आर स्क्वायर साइन 2 पाई बाई एन, एन आर स्क्वायर 10 पाई बाई एन, एन ए स्क्वायर बाई 4 कोट पाई बाई एन। यू कैन वेरीफाई, यू कैन वेरीफाई, यू टेक स्क्वायर, स्क्वायर का आपको पता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ओके, देन ये आपको लिख लो। अब हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस। देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपने नोटबुक में जो नोट्स बना रखे हैं एक बार रीकैप कर लीजिए। कुछ नहीं है ये, आपको चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए लग रहा है बिकॉज आपने ये कहीं पढ़ा नहीं पहले,
ठीक है, ये नो कंसेप्ट आपको नो हेडिंग है, एक बार रिकैप कर लीजिए फटाफट, देन यू कैन हैव प्रैक्टिस। आपके पास जो नोट्स है वही आपके काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स टेक प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन जेई मेंस 2017 का क्वेश्चन था। इफ इन ए ट्राइंगल कॉस ए बाई ए इक्वल टू कॉस बी बाई बी इक्वल टू कॉस सी बाई सी एंड ए इक्वल टू टू देन एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज हाउ मच, 1, 2 रूट 3/2 एंड रूट 3 यूनिट्स। वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिएगा, कैन यू डू इट। चलिए अभी आप प्ले करके देखिए। अच्छा मैं फिर बताऊंगा आपको, अगर आपका करेक्ट आंसर है देन यू गेट +4 marks, ठीक है, अगर आपका रॉन्ग आंसर यू गेट -1 mark। देन आप प्रैक्टिस कीजिएगा फॉर फर्स्ट 10 क्वेश्चन तक आप करिएगा, आपके कितना मार्क्स आते हैं, ठीक है। देन 11 to 20 अनदर 10 क्वेश्चन, हाउ डू यू स्टैंड, लेट मी चेक नाउ, ठीक है। चलिए शुरू कीजिए, ये वाला पहला क्वेश्चन आपके लिए रहा। 40 में से कितने आते हैं फर्स्ट 10 क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट में से हाउ मेनी मार्क्स डू यू गेट आउट ऑफ 40 क्वेश्चन। सो लेट अस स्टार्ट इट। ये आपको क्या कोस ए बाई ए कोस बी बाई बी कोस सी बाई सी, बट आपको पता है, वी नो दैट, ये मैं आपको सॉल्यूशन करा देता हूं, वी नो दैट क्या हो गया, साइन फॉर्मूला याद है आपको, साइन ए बाई ए इक्वल टू साइन बी बाई बी इक्वल टू साइन सी बाई सी। नाउ इफ यू डिवाइड दिस बाई दिस, कंपेयर करेंगे तो कंपेयर इन में क्या होगा, डिवाइड दिस बाई दिस आपको मिलेगा, यू डिवाइड दिस बाई दिस डिवाइडिंग, आपको साइन बाई कॉस यू गेट 10a इक्वल टू 10b इक्वल टू 10c मिला, आपको नहीं मिला बोलो, डिवाइडिंग। सो दैट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो गया, तीनों एंगल इक्वल है, दैट मीन्स ट्राइंगल इज इक्विलेटर। दैट मीन्स इसका फॉर्मूला क्या हो गया, एरिया इज हाउ मच, रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर, दैट इज √3/4 इंटू 2 स्क्वायर। तो आपका आंसर कितना आया, √3। सो योर ऑप्शन डी इज करेक्ट, इजी, लिख लो इसको, लेट अस हैव प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीए 2019 में पूछा गया था, इन ए ट्राइंगल एबीसी इफ A2, B3, C4 द साइड्स आर गिवन हियर, देन व्हाट इज एंगल ए, कैन यू डू इट, जस्ट 2 मिनट्स, टेक 2 मिनट्स एंड स्टार्ट, वीडियो को पॉज करके शुरू कीजिएगा, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो नाउ हिंट आई एम गिविंग, यहां पता चल रहा है आपको, कोसाइन फॉर्मूला लगा दीजिए, कोसाइन फॉर्मूला कॉस ए, कॉस ऑफ ए इक्वल टू हाउ मच, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, ओके। सो ये आप करेंगे इंट में, आपको ऑप्शन मिलेगा सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बाई 2bc, यू गेट सी, हिंट इज एनफ। वीडियो पर फालतू लंबा बन रहा है, कैसा लगा, करिएगा इसको, अगर सही मिला तो 4 नंबर ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एनडीए का, दिस क्वेश्चन इज एनडीए 2020। सो इफ इन ए ट्राइंगल एबीसी इफ बी इक्वल टू 3, C इक्वल टू 4 एंड एंगल बी इज π/3 द नंबर ऑफ सच ट्राइंगल्स, कितने ट्राइंगल हो गए, वीडियो को पॉज करके 2 मिनट का वक्त लीजिएगा एंड देन स्टार्ट कीजिएगा। अब बच्चों यहां बी एंड सी दे रखा है, आप साइन फॉर्मूला लगाइएगा, आपको पता है, हिंट देता हूं मैं, देखो साइन बी बाई बी, यू नो साइन बी बाई बी, हम लोग साइन बी एंड साइन सी यूज करेंगे, ज्यादा करेंगे, साइन सी बाई सी, ओके, साइन बी बाई बी कितना हमारे पास 3a एंड साइन सी दैट इज साइन ऑफ π/3/c इक्वल 4 हो गया। अब यहां पे सॉरी साइन बी इज गिवन हियर, सो साइन π/3/3 एंड यहां मिलेगा साइन c/4 हो गया।
सो साइन पाई बाई थ्री होता है रूट थ्री बाई टू, फटाफट रूट थ्री बाई टू इक्वल टू साइन सी बाई फोर। अब यहाँ पे तो साइन सी कितना आएगा, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये कट जाएगा, इधर डू हो जाएगा, साइन सी कितना हो जाएगा, हाउ मच इट इज, कितना हो जाएगा, दिस रूट थ्री बाई टू बाई थ्री था नहीं, ओके तो ये जब कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा साइन सी इक्वल टू रूट थ्री बाई टू हो जाएगा, सॉरी दिस इज हाउ मच, टू बाई रूट थ्री, साइन सी विल बी टू बाई रूट थ्री, बट टू बाई रूट थ्री विच इज ग्रेटर देन वन, तो देयरफॉर इसका मतलब साइन का वैल्यू माइनस वन से वन तक होगा, रहा साइन का रेंज माइनस वन से वन के बीच में होता है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, सो नो ट्राइंगल, सो नो ट्राइंगल, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, नो ट्राइंगल, दैट मीन योर आंसर इज सी, दैट इज जीरो, जीरो ट्राइंगल्स, ध्यान रखना, आपको बी दे रखा है, साइड बी दे रखा है एंड एंगल बी दे रखा है, साइन बी बाई बी एंड साइन सी, सी दे रखा है एंड आप एंगल सी पता कीजिएगा, ठीक है, साइन सी आपका टू बाई रूट थ्री वन से बड़ा होता है बिकॉज रेंज ऑफ साइन इज माइनस वन टू वन, सो योर ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट करो इसको फटाफट। नाउ योर क्वेश्चन नंबर फोर, इफ इन ए ट्राइंगल ए बी सी ए इक्वल टू फोर बी इक्वल टू एट एंड एंगल सी 60 डिग्री देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई मेंस 2019। दे लीजिए दो या तीन, जब जेईई मेंस का क्वेश्चन है तो यू नीड 4 to 5 minutes, आई एम गिविंग यू 5 minutes टाइम, पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, फिर आपको अगर करेक्ट होता है प्लस चार, अदरवाइज माइनस वन, ठीक। चलिए हिंट देता हूं मैं आपको, जेईई मेंस ध्यान रखना, अब ये एंगल सी दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे, कैन यू फाइंड वैल्यू ऑफ सी यार, बिकॉज एक सी का वैल्यू यहां दे रखा है, तो कॉस सी में क्या होगा, कॉस सी इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई टू ए बी, कॉस सी मीन्स इफ आई राइट कॉस 60, कॉस 60 में ए स्क्वायर कितना मिला 16, बी स्क्वायर मिला 64 माइनस सी स्क्वायर बाई टू इंटू फोर इंटू एट, दिस कॉस 60 गेट्स 1/2, ये हो जाएगा 80 माइनस सी स्क्वायर, दिस इज 8 चौक 32, ठीक हाउ मच इट इज, ये कितना हो जाएगा 64, जब ये दो से दो कैंसिल हो जाएगा आपको मिलेगा 32 इक्वल टू 80 माइनस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर मिला आपको 48, तो सी मिलेगा रूट 48, दैट इज 16 इंटू 3 यानी 4√3। अब आपको ऑप्शन ए तो करेक्ट लग रहा है, जब जेईई मेंस में कई बार ऐसा होता है कि एंगल बी एंगल सी एंगल ए के बारे में आप लोग जानकारी नहीं ली, अगेन यू साइन फॉर्मूला, अगेन साइन ए बाई ए साइन बी बाई बी साइन सी बाई सी, साइन ए दैट इज यू डोंट नो साइन ए तो पता करना है, साइन ए बाई ए इज 4, साइन बी बाई 8 एंड दिस इज साइन सी, साइन सी दैट इज साइन 60, सी कितना, आप सी आपने मालूम करेगा 4√3। अब प्यारे बच्चों मैं वापस लिखता हूँ, साइन ए बाई ए साइन ए बाई 4 साइन बी बाई 8 देन साइन दिस इज हाउ मच, साइन 60 डिग्री, साइन 60 होता है रूट थ्री बाई टू बाई 4√3, ये हो जाएगा आप कैंसिल, रूट थ्री कैंसिल हो गया, यानी आपको मिलेगा 1/8। अब आपने कंपेयर किया है तो साइन ए दिस, आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो साइन ए इक्वल टू साइन ए बाई 4 इक्वल टू 1/8 एंड साइन बी बाई 8 इक्वल टू वो भी 1/8 है, ओके दैट मीन्स आपको मिला साइन ए इक्वल टू 1/2 एंड साइन बी इक्वल मिला 1, इसका मतलब वह एंगल ए हाउ मच, एंगल ए इज 30 डिग्री एंड एंगल बी इज 90 डिग्री, सो ए 30 बी 90, अगेन बी एंड सी ऑप्शंस आर आल्सो करेक्ट, ये भी ठीक ये भी ठीक, तो दैट मीन्स योर ऑप्शन डी इज करेक्ट माय डियर स्टूडेंट, कैसा लगा, नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लगे रहो।
आगे आपके लिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। इन ट्राइंगल एबीसी कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी इज हाउ मच। ए आई ट्रिपल ई 2010। जेई मेंस की जगह पहले ए आई ट्रिपल ई हुआ करता था और दैट एग्जाम वाज बीइंग कंडक्टेड बाय सीबीएसई। नाउ सीबीएसई इज कंडक्टिंग जेई मेंस, ठीक है। सो यहां पे आपको देखो, मैं आपको बता दूं कि आप जब जेई मेंस या जेई एडवांस की जब तैयारी करते हैं या एनडीए वगैरह की, तो ईच चैप्टर इज कनेक्टेड विद ईच अदर। तो ये आपने उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल तो अभी आप पढ़ रहे हैं, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपने स्टडी किया था, इसके अंदर आपने पढ़ा था इफ ए प्लस बी प्लस सी अगर 180 डिग्री, मैंने पढ़ाया था आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला। देन याद आ रहा होगा कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, इट इज हाउ मच 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। लेकिन तो ये हो गया, पर आपने अभी अभी इसमें पढ़ा था, बट आर इक्वल टू क्या पढ़ा था आपने, आर इक्वल टू 4 आर साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 इन रेडियस साइन सी बाई 2, क्योंकि यहां पे इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस के बारे में जिक्र है, रिलेशन दे रखा है। सो ये क्या 4, तो दैट मीन्स मैं इधर इसको आर को इधर ले जाऊंगा, आर बाई आर इक्वल टू 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। सो इसकी जगह मैं लिख दूंगा आर बाई आर, ठीक है। दिस ओ दिस वाज 1 प्लस, ठीक है ना, 1 प्लस। सो ये हो जाएगा, ये है कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी 1 प्लस। सो अब ये क्या हो जाएगा, दिस हमारा आंसर मिलेगा, देयरफॉर इसके से क्या मिले जाएगा, कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी इक्वल क्या मिला, 1 प्लस आर बाई आर है ऑप्शन कई, ऑप्शन बी करेक्ट। कैसा रहा, बढ़िया, लिखते रहो आराम से। देखिए ए प्लस बी प्लस सी, यानी ये ट्राइंगल में ए प्लस बी प्लस 180 होता ही है। सो कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी कैन बी रिटन 1 प्लस 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। एंड अब आर और आर में स्मॉल आर एंड कैपिटल आर में रिलेशन है, आर इक्वल टू 4 आर साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। सो 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2 की जगह हम लिख सकते हैं आर बाई आर। सो हमारा आंसर 1 प्लस आर बाई आर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट कर लीजिएगा, ए डब्ल्यू बी कम नहीं होता अपने आप में, जेईई मेंस के लेवल का एग्जाम हुआ करता था। जेई मेंस 2014 का क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए एबीसी इफ ए बी एंड सी या इट्स साइड्स आर इन एपी देन 10 ए बाई 2 10 बी बाई 2 10 सी बाई 2 विल बी व्हाट। जेई मेंस का कम नहीं क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये नहीं कह रहा कि यही क्वेश्चन वापस आएगा, आप बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फॉर्मूले वापस याद होते जाएंगे और इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं, आप इसमें मैं आपको जेई मेंस का आई एम गिविंग यू 4 मिनट्स टाइम, ठीक, ओके। अब आपका टाइम हो गया तो मैं शुरू करता हूँ। आपको देखो मैं बताऊंगा, आपने पढ़ा था इंट में आर इक्वल टू क्या पढ़ा था आपने, एस माइनस ए 10 ए बाई 2 पढ़ा था, और दैट इज इक्वल एस माइनस बी 10 बी बाई 2 एस माइनस सी 10 सी बाई 2। सो 10 ए बाई 2 क्या हो गया, सो 10 ए बाई 2 क्या हो गया आपको, आर बाई एस माइनस ए, ये याद रखना। 10 बी बाई 2 आर बाई एस माइनस बी एंड 10 सी बाई 2 आर बाई एस माइनस सी। अब आप ध्यान रखना मैं बताऊंगा, अब करेंगे ए बी सी, ये एपी में है, ओके। तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी वो भी एपी में हो जाएगा, दे विल ऑल्सो बी एपी मल्टीप्लाई बाई माइनस 1। एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी वो भी एपी में होगा। अब आर बाई एस माइनस ए, यानी मैं इनको रेसिप्रोकल कर दूं, 1 बाई एस माइनस ए 1 बाई एस माइनस बी 1 बाई एस माइनस सी, ये क्या हो जाएगा, दे विल बी इन एच पी।
ओके नाउ मल्टीप्लाई बाय आर, आर बाई एस माइनस ए, आर बाई एस माइनस बी, आर बाई एस माइनस सी, वो क्या होगा, दे विल बी इन एच पी। सो यही तो है, टेन ए बाई टू, टेन बी बाई टू, टेन सी बाई टू, दे विल बी इन एच पी। ओके सो योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। वापस देख लो आराम से वीडियो को पॉज करके, ये टेन ए बाई टू, टेन बी बाई टू, टेन सी बाई टू, आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए यही मेंस का क्वेश्चन कैसा रहा, शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिख लो इसको आराम से। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, एनडीए 2015 का सवाल ये रहा आपके सामने, ये आप आराम से कर सकते, आई एम श्योर यू कैन डू इट। एनडीए का क्वेश्चन है, यू नीड 3 मिनट्स टाइम। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए फाइव बी थ्री सी ट्वेल्व, देन टेन बी फाइव फोर कितना होगा, टेन बी फाइव फोर कितना होगा। मैं प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताना चाहता हूं, यहां पे आप टेन बी बाई फोर, हिंट देता हूं मैं आपको, जस्ट फाइंड एंगल बी, एंगल बी मालूम करो। तो यहां पे क्या देखिए, क्लियरली ए बी सी इज राइट ट्राइंगल, नहीं है फाइव स्क्वायर प्लस, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर हो रहा है यहां पे, ठीक है। सो यहां पे देयर फोर एंगल बी इज 90 डिग्री, एंगल बी 90 है, सो एंगल बी बाई टू कितना हुआ, 45 डिग्री। अब आपको आता दोनों तरफ टेंजेंट ले लूं मैं, टेन ऑफ एंगल बी बाई टू, दैट इज आई लेट टेन बी बाई टू ले लेता हूं मैं, टेन बी बाई टू इक्वल टू टेन 45 डिग्री। अब मैं इसको लिख दूंगा टेन ऑफ, ठीक, टू इंटू, हमें बी बाई फोर चाहिए, ये वन हो गया, दिस इज टू टेन थीटा, टू टेन बी बाई फोर बाई वन माइनस टेन स्क्वायर बी बाई फोर इक्वल टू वन हो गया। जब आप ट्रांसफर करेंगे इधर उधर तो ये मिलेगा टेन स्क्वायर बी बाई फोर प्लस टू टेन बी बाई फोर माइनस वन इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है, आप 10 बी बाई फोर की जगह वाई लग सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज यहाँ पे कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन, तो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या मिला, वन, बी इक्वल टू टू मिला, एंड सी इक्वल टू माइनस वन। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये ए बी सी आप वो नहीं देखना, साइड को मत मानना, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10 बी बाई फोर दैट इज एक्स इक्वल टू माइनस बी, दैट इज माइनस टू प्लस माइनस बी स्क्वायर बोले तो फोर, और माइनस फोर ऐसी फोर इंटू वन इंटू माइनस वन प्लस फोर हो गया बाई टू ए। ये जब आप करेंगे माइनस टू प्लस माइनस, दिस इज एट बाई टू, सॉरी दिस माइनस टू प्लस माइनस टू रू टू बाई टू, आपको टू से डिवाइड करते हैं, माइनस वन प्लस माइनस रूट टू, बट 10 बी बाई फोर इट इज जस्ट 22 डिग्री एंड हाफ पॉजिटिव होता है, तो आपका हमारा आंसर हो जाएगा माइनस वन प्लस रूट टू, माइनस वन प्लस रूट टू हो जाएगा, क्योंकि 10 बी बाई फोर इट इज पॉजिटिव। सो योर ऑप्शन इज दिस, माइनस वन प्लस रूट टू, इज देयर एनी आंसर, ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। लिखो इसको, कैसा रहा, बढ़िया है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन जेई मेंस 2013 का सवाल आपके लिए, इन ट्राइंगल एबीसी बी माइनस सी बाय आर वन, सी माइनस ए बाय आर टू, ए माइनस बी बाय आर थ्री, हाउ मच, वन जीरो एबीसी आर वन आर टू आर थ्री। माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में मैं आपको फिर बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, हजार बार बोलूंगा, आपको सिर्फ आइडेंटिटीज ही याद करनी है, ठीक है। तो अभी आपको पता आर वन क्या होगा, आर वन इज हाउ मच, एरिया बाई एस माइनस ए, एंड आर टू इज वाच, एरिया बाई एस माइनस बी, एंड आर थ्री इज एरिया बाई एस माइनस सी। ये आर वन आर टू आर थ्री दे आर रेडियाई ऑफ एस्क्राइब्ड सर्कल, आपको मैंने पढ़ा। सो ये क्या बनेगा, दिस विल बिकम b माइनस सी बाई एरिया बाई एस माइनस ए,
वन मिनट, दिस इज प्लस, प्लस का होगा, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा सी माइनस ए बाई एरिया बाई एस माइनस बी, प्लस ए माइनस बी बाई एरिया बाई एस माइनस सी, दिस शुड बी प्लस हियर, क्वेश्चन में मंगा है प्लस होगा। अब यहां पे ये वन बाई एरिया, दिस एरिया इज डेल्टा इज टेकन आउट, दिस वन बाई डेल्टा इज आउट, और ये हो जाएगा बी माइनस सी इंटू एस माइनस ए प्लस सी माइनस ए इंटू एस माइनस बी प्लस ए माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वेन यू परफॉर्म कैलकुलेशन तो वन बाई डेल्टा तो पड़ा, इनका पूरे का आंसर अंदर जीरो होगा, तो योर आंसर इज जीरो, ऑप्शन बी। ये इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है ना, बी माइनस सी एस माइनस ए एस इज आउट, योर आंसर विल बी जीरो, यू कैन ओपन द ब्रैकेट एंड वेरीफाई इट, ठीक है, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन भी जेई मेंस का क्वेश्चन है, जेई मेंस 2018 का क्वेश्चन है। इजी, आपको साइन फॉर्मूला वगैरह याद रखना, एंगल्स आर इन एपी एंड बी रेशियो सी रूट 3/√2 है, देन एंगल ए इज हाउ मच। अब मैं आपको हिट देता हूं, जब जेई मेंस का क्वेश्चन है आई एम गिविंग यू 4 मिनट्स टाइम, तो आपको मैं सॉल्यूशन बताता हूं, हिंट बताता हूं, ए बी सी इन ए पी देयरफॉर एंगल बी मस्ट बी 60 डिग्री, ए प्लस बी प्लस सी 180, ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री, टू बी इक्वल ए प्लस सी, आपको बी 60 डिग्री आ जाएगा, ये तो बात आपको क्लियर होगी। अब बी एंड सी एंड आप साइन फॉर्मूला लगेगा, अगेन साइन बी बाई बी इक्वल टू साइन ओनली सी एंड उसमें साइन सी बाई सी में लगेगा, ज़्यादा जरूरत नहीं, साइन बी आई राइट साइन 60 डिग्री बाई बी एंड साइन सी बाई बी, कितना यहाँ पे बी इज √3 एंड दिस इज √2, साइन 60 डिग्री होता है √3/2 बाई √3, दिस इज साइन सी बाई √2, जब आप कैंसिल करेंगे आपको मिलेगा साइन सी इक्वल 1/√2, इसका मतलब इस सी कितना आया 45 डिग्री। अब आपके एंगल बी या एंगल सी आपके पास है, सो ए कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू 180 माइनस बी प्लस सी, दैट इज 180 माइनस, आपके एंगल यही पूछा ना, 180 माइनस बी कितना 60 + 45, दिस गिव 180 माइनस हाउ मच, दिस इज 105, यानी यह मिला 75 डिग्री, ऑप्शन 75 सी में है ना। साइन फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट जरा सोचो आप, नोट कर लो, कैसा लगा, मस्त लगा, वेरी गुड। क्वेश्चन आ गया, इफ इन ए ट्राइंगल एबीसी इफ 3a इक्वल टू बी प्लस सी देन कोट बी बाई टू कोट सी बाई टू हाउ मच। अब आपको बच्चों एक ही चीज ध्यान रखना, आप कर लो ट्राई करना, तो दिस वाज आवर एमपी, पहले अलग अलग एग्जाम हुआ करते थे, एमपी का अलग था, स्टेट वाइज अलग, हरियाणा अलग हुआ करता था, राजस्थान का, सभी का अपना अपना इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अलग एग्जाम हुआ करता था। सो अब आपको बता, देखो आप करना कर लो, ट्राई कर लो, आपको 4 मिनट का वक्त देता हूं, सारे फॉर्मूले आपने नोटबुक में लिख रखे हैं, आपको पता है 10a/2 क्या होता, बताओ कुछ याद आ रहा, 10a/2 एस माइनस बी एस माइनस सी एंड एस इंटू एस माइनस ए याद आ रहा होगा, ठीक है, तो कोट ए बाई टू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कोट ए बाई टू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, देयरफॉर मैं लिखूंगा कोट बी बाई टू कोट ऑफ सी बाई टू, ये क्या बनेगा, कोट उल्टा, तो यह बी वालों का आपको मिलेगा, दिस यू विल गेट
ये ऊपर चला जाएगा, एस माइनस एस इंटू एस माइनस बी बाई एस माइनस ए इंटू एस माइनस, और आगे अंदर एस माइनस सी एस माइनस ए इंटू इसका बोला जाएगा एस इंटू एस माइनस सी बाई एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। अब ध्यान रखना एस माइनस बी कैंसिल आउट, एस माइनस सी ये कैंसिल आउट हो गया, एस एस दो बार हो गया, दिस इज एस बाई एस माइनस ए हो गया। परंतु आपको पता है अब एस के समय क्या लिखूंगा, ए प्लस बी प्लस सी टू एस होता है, मैं बी प्लस सी की जगह लिख दूंगा थ्री ए, तो ए प्लस थ्री ए इक्वल टू टू एस यानी फोर ए इक्वल टू टू एस, इसका मतलब टू ए की जगह एस लिख दूंगा, एस की जगह मैं टू ए लिख दूंगा, ठीक है। तो दिस इज टू ए बाई टू ए माइनस ए टू ए बाई ए, आपका आंसर मिला टू, याद रखना। सो योर ऑप्शन डी इज करेक्ट, बी वेरी वेरी केयरफुल। आपको सारी यानी टेन ए बाई टू क्या, टेन बी बाई टू क्या, तो टेन का रेसिप्रोकल कोट होता है, ठीक है। टेन बी बाई टू क्या होता था, एस माइनस सी एस माइनस ए बाई एस इंटू एस माइनस बी एंड सो ऑन, गॉट इट, गुड। लिखो, सो अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले मेरे बच्चों अपने आप को आपने इवेल्युएट किया होगा, अगर आपके मार्क्स आउट ऑफ 40, आउट ऑफ 40 अगर आपके अब तक मोर देन 30 आया दैट मीन्स योर परफॉर्मेंस इज वेरी गुड, अगर 20 और 30 के बीच में है देन इट इज गुड, अगर आपके लेस देन 20 है तो मैं बोलूंगा यू नीड मोर प्रैक्टिस। टेंशन लेना नहीं है, मैं फिर से बता देता हूं, आपका परफॉर्मेंस आपका इवेल्युएशन योर असेसमेंट, इफ योर मार्क्स आर मोर देन 30 वेरी गुड, 20 टू 30 मैं इसको गुड बोलूंगा, 20 से भी कम है देन यू नीड अगेन आपको कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलिए, टेंशन लेना नहीं है, आपको नोट्स बना के नोट्स जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाते हैं बिकॉज बार बार आप वीडियो देख नहीं सकते। अच्छा, अब करते हैं जेई मेंस 2020, कितना आसान, एक ट्राइंगल जिसमें साइड 3, 5, 7 है, देन द लार्जेस्ट एंगल, ये कैसे करेंगे आप, मैं बताऊंगा। सपोज ऐसे हो गया, ये हो गया 3, 5, 7, लार्जेस्ट एंगल लार्जेस्ट साइड के सामने के बराबर, ठीक है ना, लार्ज बिकॉज आपने 9th क्लास में पढ़ा था एंगल ओपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जर। सो मैं अगर इसको बोलूंगा ए बोलूं बी बोलूं और इसको सी बोल दूं, सो लार्जेस्ट, ठीक है, सो दिस लार्जेस्ट एंगल इज ओपोजिट टू लार्जर साइड, सो मैं इसको सी ले लेता हूं, तो कॉस ऑफ सी इट इज हाउ मच, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई टू ए बी हो जाएगा, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये ए हो गया हमारा, दिस इज बी, ठीक है, और दिस इज सी, सो ए स्क्वायर बोले तो मैं 5 स्क्वायर कर दूं प्लस 3 स्क्वायर और माइनस 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर 2 × 5 × 3 ये हो जाएगा 25 + 9 − 34 बाई 30 हो जाएगा, दिस विल गिव माइनस दिस इज 49, सो 34 मंथ दिस इज −15/30 यानी −1/2, सो कॉस सी आपका −1/2 आंसर क्या होना चाहिए, दैट मीन्स अब आपको पता है एंगल सी विल बी 2π/3 ऑप्शन ए। अब आप शुरू कीजिए नुआ 11 to 20 तक, फिर आप +4 और −1 आप लेते जाएगा, 10 क्वेश्चन है करेक्ट के लिए +4 और रोंग के लिए −1 मार्क्स आप लेके जाएगा, एनोदर 10 क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिखो इसको, जेई मेंस अभी भी आया, दूसरी चीज बच्चों वीडियो को लाइक करते रहना शेयर करना और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला सवाल नंबर 12 जेई मेंस 2017 का, डरना नहीं है, इफ इन ट्राइंगल एबीसी द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स आर 4:5:6,
देन दिस इज रिलेशन बिटवीन, इट्स नो रैशनल रिलेशन. रिलेशन बिटवीन सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस इज हाउ मच. आपको पता करना है आर बाई आर इज हाउ मच. आपको देता हूं 5 मिनट का टाइम, ठीक है? चलिए हिंट मैं आपको बता देता हूं. मैं अभी आपको हिंट में आपको मालूम है आर इक्वल टू क्या होगा. आपको पता है ए बी सी बाई 4 डेल्टा एंड आर इक्वल टू वो स्मॉल आर की इन रेडियस क्या होगा, डेल्टा बाई 4 डेल्टा बाई एस. अब आपको आर बाई आर जब आप करेंगे नाउ आर बाई आर आपको मिलेगा, इसको डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा ए बी सी ये और एस ऊपर चला जाएगा एंड नीचे 4 डेल्टा स्क्वायर. आगे समझ. अब यहां पे ए बी सी 4 डेल्टा स्क्वायर दैट इज आज राइट ए बी सी इंटू एस, ये 4 इंटू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी स्क्वायर रूट हट गया एस एस कर आपको मिला, यानी आर बाई आर आपका है ए बी सी बाई 4 एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया. अब आप क्या करेंगे, आप ए को 4k, बी को 5k, सी को 6k भी ले सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं. आप डिवाइड करेंगे ए इंटू बी इंटू सी नीचे और यहां पे भी नीचे एस माइनस ए एस माइनस बी, ये भी k k k k क्यूब कैंसिल हो जाएगा. तो मैं k को लूंगा नहीं, तो सीधा s कितना हो जाएगा 4 प्लस 5 9 प्लस 6 15, s इक्वल 15 बाई 2. तो s माइनस ए हो जाएगा दिस 15 बाई 2 7 बाई 2, s माइनस बी हो जाएगा 5 बाई 2 एंड s माइनस सी हो जाएगा विजिबल और नॉट, मार्जिन से बाहर तो नहीं जा रहा है, नहीं अभी भी दिख रहा है. पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज हियर सो आर बाई आर आपको मिलेगा ए बी सी 4 5 6 बाई 4 इंटू 5 4 इंटू ये हो जाएगा 7 बाई 2 5 बाई 2 एंड 3 बाई 2. जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16 बाई 7 आंसर आ जाएगा. सो ऑप्शन ए इज द आंसर. सिर्फ आपको याद रखना आर का फॉर्मूला क्या, सर्कम रेडियस ए बी सी बाई 4 इंटू एरिया एंड दिस इज आर इज एरिया बाई सेमी सर्कम फेरेस, सेमी पेरीमीटर बोल सकते हैं आप, ठीक है? करिए नोट कीजिए इसको, जेई मेंस 2017 का क्वेश्चन था, प्लीज नोट ई डाउन. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल ए बी सी इफ 2 cos A by A cos B by B + 2 cos C by C इक्वल टू दिस इज कैपिटल लेटर ए बाई बी सी प्लस बी बाई सी ए देन एंगल ए इज हाउ मच. ये क्वेश्चन जेई मेंस 2016 में आया गया था. गेटिंग योर नोट. आपको क्या करना है, यू अप्लाई कॉस फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला लगाइएगा, फिर आपको ए बी एंड सी में रिजल्ट प्राप्त कीजिएगा, देन आपको मिलेगा, ठीक है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में कुछ रिजल्ट आपको मिलेगा, देन आपको पता लगेगा एंगल ए कितना है. ओके, तो मैं टू अवॉइड लेंथी वीडियो लेट मी राइट द सॉल्यूशन फॉर यू, देन आई विल एक्सप्लेन टू यू. यू कैन इफ यू वांट यू कैन ट्राई. आपको मैं देता हूँ 5 मिनट का टाइम, ठीक है? नाउ सी इट्स अ सॉल्यूशन. ये इक्वेशन दे रखा आपको 2 बाई ए मैंने लिख दिया, नहीं कॉस ए की जगह बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 BC. सिमिलरली 1 बाई बी हैज बीन टेकन आउट, कॉस बी की जगह सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 CA. 2 बाई सी हैज बीन टेकन आउट हियर, कॉस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2 AB. ये सेम लिख दिया. अब यहाँ पे इसका LCM 2 ABC आ रहा है, 2 ABC हर जगह 2 ABC, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2 ABC ये मिला मल्ट
बाई टू ए बी सी, तो टू ए बी सी मल्टीप्लाई किया ही हो गया आपको। अब ये ब्रैकेट खोला आपने तो आपको रिजल्ट मिला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, दैट मीन्स एंगल ए 90 डिग्री है, योर ऑप्शन ए 90 डिग्री, तो योर ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी ऑप्शन आपका आंसर है, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 14 आईआईटी स्क्रीनिंग 2002 जब आप इस दुनिया में पैदा नहीं होते तब का क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल ए बी सी टू ए सी साइन ऑफ 1/2 ए माइनस बी प्लस सी इक्वल व्हाट, वेरी इजी आईआईटी स्क्रीनिंग, पहले दो होते थे आईआईटी की स्क्रीनिंग होता था देन उसका फाइनल होता था। अब मैं आपको मैं देता हूँ आईआईटी का क्वेश्चन है, आपको 5 मिनट का टाइम देता हूँ, अब आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके कीजिएगा, चलिए नहीं बात तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हिंट देता हूँ आपको। 2ac साइन 1/2 ए माइनस बी प्लस सी, ये ट्राइंगल ए बी सी है, ट्राइंगल है 2ac साइन ऑफ 1/2 ए प्लस सी की जगह मैं लिखूंगा 180 माइनस बी, सो दिस विल बिकम 180 माइनस 2b, वहाँ कि नहीं वहाँ, सिंस ए प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस बी वहाँ, तो 180 माइनस 2b हो गया, तो दिस हैज गिवन यू 2ac साइन ऑफ 1/2 180 माइनस 2b, दैट 1/2 कैंसिल हो गया तो आपको मिलेगा 90 माइनस बी, तो ये मिला 2ac, दिस इज कॉस ऑफ बी। अब कोसाइन फॉर्मूला लगाइएगा, कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा, 2ac हो गया, दिस इज कोसाइन फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac, 2ac कैंसिल हो गया, आपको मिला आंसर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इज देयर एनी ऑप्शन माइनस बी स्क्वायर वाला, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये ऑप्शन, गॉट इट और नॉट, वेरी इजी आईआईटी का क्वेश्चन है, नोट करते रहिएगा आप। एनडीए 2018 का सवाल है, सवाल नंबर 15 आपके लिए ये रहा, इन ट्राइंगल एबीसी इफ एंगल ए 45 डिग्री एंगल बी 75 डिग्री देन ए प्लस सी रूट टू इज हाउ मच, आपको दे मिलता है 3 मिनट का टाइम, शुरू कर सकते हैं आप लोग, आप हिंट दे दूं मैं आपको, यू कैन यूज साइन फॉर्मूला ए बाई साइन ए बी बाई साइन बी कर सकते हैं आप, या साइन ए बाई ए साइन बी बाई बी भी कर सकते हैं, फिर मैं आपको बताऊं साइन 75 डिग्री का वैल्यू मैं बताऊं आपको, यूज कर सकते हैं साइन 75 डिग्री, आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर में आपको पढ़ा था डिट इज इक्वल टू कॉस 15 डिग्री, तो दैट इज रूट 3 + 1/2 √2, अब आप शुरू कर सकते हैं, ए का वैल्यू मालूम कीजिए बी के टर्म्स में, सी का वैल्यू भी बी के टर्म्स में मालूम कीजिएगा, देन यू एड ए प्लस सी रूट टू, 3 मिनट का टाइम है, कैन यू डू इट लेट मी सी, 3 मिनट के बाद में वीडियो को आप प्ले करना, ठीक है ना, चलिए आप करिएगा, फिर मैं वीडियो क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बता देता हूँ टाइम को बचाने के लिए। नाउ सी इट्स सॉल्यूशन, ए बाई साइन ए बोले तो 45, बी बाई साइन बी 75, जब ए एंड बी दिया हुआ है 45 75, देन एंगल सी विल बी 60 डिग्री, तो मैंने सी बाई साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ओके साइन 60 का वैल्यू √3/2 है, ऑलराइट। अब ए का वैल्यू जब कंपेयर करेंगे 2b/√3+1 एंड सी आ गया √6b/√3+1। नाउ माई डियर स्टूडेंट यू पुट ए प्लस सी रूट टू, ए तो ये पढ़ा और सी ये पढ़ा, इसको रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे आपको ये मिला। अब मैं आपको ज़्यादा बोलूँगा नहीं, √3+1 इज टेकन को एलसीएम ईयर और ऊपर 2b कॉमन आ जाएगा तो √3+1 गेट्स कैंसल आउट, योर आंसर विल बी √3+1 कैंसिल हो गया तो योर आंसर इज 2b, ऑप्शन डी इज करेक्ट, चेक कर लो आराम से, ओके गॉट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 यार आपके सामने काफी काम का क्वेश्चन है, 2007 में पूछा गया था, डीसीई दिल्ली कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। अब R1 R2 R3 क्या, दे आर द रेडियस ऑफ द एस्क्राइब्ड सर्कल, आपने पढ़ा था
आर क्या होगा, आर वन इज वाट, आर वन पहले आप ट्राई कर लो, आपको मैं 3 मिनट का वक्त देता हूँ। आर वन इक्वल टू क्या था, डेल्टा बाई एस माइनस ए था, याद आ रहा है। आर टू क्या, डेल्टा बाई एस माइनस बी, एंड आर थ्री इज डेल्टा बाई एस माइनस सी। ये चीज अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब देखो, आर वन आर टू आर थ्री ये किस में है, दे आर इन एच पी, तो इसका 1/R1, 1/R2, 1/R3 ये क्या है, दे आर इन एपी। 1/R1 क्या हो गया, एस माइनस ए बाई डेल्टा, दैट मीन्स एस माइनस ए बाई डेल्टा, एस माइनस ए बाई डेल्टा, एस माइनस बी बाई डेल्टा, एस माइनस सी बाई डेल्टा, ये भी एपी में। 1/R1 दिस इज एस माइनस ए बाई डेल्टा, जस्ट बी वेरी केयरफुल, डेल्टा से मल्टीप्लाई करो, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये एपी में रहेगा। सबट्रैक्टिंग एस, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ए बी एपी में, मल्टीप्लाई बाई माइनस वन, तो दैट मीन्स ए बी सी, ये भी एपी में। गॉट इट और नॉट, सो ए बी सी आर इन एपी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आ रहा भाई, बहुत बढ़िया, करेक्ट है भाई। लास्ट में बच्चे को डाउट है क्या, ये वाला देखो, आर वन डेल्टा बाई एस माइनस ए, तो 1/R1 क्या हो गया, एस माइनस ए बाई डेल्टा, समझ में आया बच्चे, वेरी गुड, नोट कर लो इसको, क्वेश्चन 16 हो गया आपका। करते रहेगा आप अपने प्लस 4 मार्क्स ऐड करते रहिएगा अगर आपको करेक्ट मार्क्स मिल रहा है। मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ आपको, ये तो मैं लिमिटेड क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, आप मेरा एडवाइस है कि आप कम से कम 50 क्वेश्चन, एटलीस्ट 50 मोर क्वेश्चंस यू नीड टू गो थ्रू फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। कम से कम 50 और करेंगे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आपको ज़्यादा याद क्या करना है, साइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, टेंजेंट, ये साइन ए बाई टू, कोस ए बाई टू, टेन ए बाई टू भी कर लेना, एस एस माइनस एस माइनस बी वाला, एंड देन आपको ये सर्कम रेडियस, इन रेडियस, एस्क्राइब्ड रेडियाई वगैरह वगैरह याद करना, बाकी कुछ दिक्कत है नहीं आपको, यही चीज़ों को इधर उधर घुमा के हो रहा है, ठीक है। अगला सवाल एनडीए 2012 का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन और भी कई जगह आया था पहले, देन एनडीए ने उसकी कॉपी किया था। एक ट्राइंगल एबीसी जिसमें बी प्लस सी बाई 11, सी प्लस ए बाई 12, ए प्लस बी बाई 13 दिया हुआ है, देन कॉस सी इज व्हाट। तो मैं आपको मैं देता हूं 3 या 4 मिनट का वक्त, यू कैन ट्राई योरसेल्फ। तो इसको मैं अगर कर दूं, इफ आई टेक सॉल्यूशन में, देखिए बच्चों, लेट बी प्लस सी बाई 11, सी प्लस ए बाई 12, ए प्लस बी बाई 13 को मैं अगर के ले लूं, सो क्या होगा, बी दे आर सेम, सो बी प्लस सी इक्वल टू 11 के, सी प्लस ए इक्वल टू 12 के, एंड ए प्लस बी इक्वल टू 13 के हो जाएगा। ओके, नाउ इनको आप ऐड करें तो 2a + 2b + 2c विल बी, इनको एडिंग, ये मैं 1 कर दूं, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, आपको ए और बी और सी को मालूम करना, सोल्व करना, 1 + 2 + 3 क्या मिला आपको, 2 × a + b + c, 11 × 12 = 36 के, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी आपका मिल गया 18 के, ये नंबर 4 हो गया। अब आप इसको सोल्व करेंगे, 4 - 1 आपको ए मिलेगा, दैट मीन्स फ्रॉम 1 टू 3 एंड 4 आपको मिला ए इक्वल टू 7 के, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, बी 6 के एंड सी इक्वल टू 5 के मिलेगा, माइनस कर लो आप, ठीक है, 11, 12, 13 तो 5, 6, 7 हो गया, ऑलराइट। अब आपके लिए नाउ कॉस सी, कॉस कॉस ऑफ सी इज हाउ मच, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab, समझ में आ रहा नहीं आ रहा बच्चों, है भाई, हाँ क्या बोल रहे पीछे, ये कैसे आया भाई, कोसाइन फॉर्मूला लगाओ ना आप, कोसाइन फॉर्मूला लगाओ, ए बोले तो कौन है, यहां से लेंगे हम लोग,
49 k² दैट इज 49 k², बी कितना हो गया 36 b² यानी इसका 36 k², सी 5 k² माइनस 25 k², 2 × ab 7 k × 6 k, ये आपका फाइनली जब हो जाएगा योर आंसर विल, जब आप करेंगे दिस इज 5/7 आ जाएगा आंसर आफ्टर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, जस्ट वेरीफाई चेक वेदर यू गेट, डू यू गेट 5/7 और नॉट, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैं कंप्लीट कैलकुलेशन कर नहीं रहा हूँ बिकॉज वीडियो फालतू का लंबा बन रहा है, नोट करते रहो इसको, समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत है बोलो, है भाई है, ये कैसे मिला पीछे बोल रहे, ये कैसे मिला, अरे क्या करो कैसे मिला, इक्वेशन नंबर 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ बी प्लस सी आपको ये मिला, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो बी मिलेगा, 4 − 3 यू गेट सी, फिर कोसाइन फॉर्मूला लगा दो। अब आपको मालूम पड़ा साइन फॉर्मूला कोसाइन फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो जेई मेंस का क्वेश्चन है, जेई मेंस 16 आया था, ओके जेई मेंस 2016 क्वेश्चन है। यहां पे देखो ट्रायंगल में बता रहा हूं, दे रखा एबीसी में एंगल बी पाई बाई, दिस इज पाई बाई 3, ये पाई बाई 3 है, एंड एंगल सी दिस इज पाई बाई 4, एंड एंगल पॉइंट डी डिवाइड्स बी सी इन द रेशियो 1:3। तो एक काम करते हैं, मैं इसको एक्स ले लेता हूं और इसको मैं ले लेता हूं 3x। अब आपको साइन बी ए डी बाई साइन सी ए डी लगाना है, मैं इसको ले लेता हूं बी ए डी, बी डी नहीं बीटा, अल्फा एंड बीटा ले लेता, ठीक है। अब आप कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको 5 मिनट का वक्त देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, साइन फॉर्मूला लगाइएगा इस ट्राइंगल में, ठीक है। ये वाला आप कर सकते हैं साइन अल्फा बाई एक्स इक्वल टू साइन पी बाई साइन पाई बाई 3 बाई बी डी कर सकते हैं, या एक्स बाई साइन अल्फा और उसको ए डी बाई साइन पाई बाई साइन बी कर सकते हैं, इसमें भी आप कर 3x बाई साइन बीटा एंड ए डी बाई साइन सी कर सकते हैं, फिर दोनों को डिवाइड कर लेना, आपको मिलेगा साइन बी ए डी साइन सी डी, साइन बी ए डी बोले तो आप कर सकते हैं साइन अल्फा, दैट मीन यू कैन गेट साइन अल्फा बाई बी ए डी सी ए डी दैट साइन बीटा आप बात कीजिएगा, ठीक है, ये करिएगा, आपको मिलेगा सिर्फ 5 मिनट का वक्त है भाई, करेंगे साइन फॉर्मूला लगाना बस। नाउ चेक योर सॉल्यूशंस, आई हैव सॉल्व द क्वेश्चन फॉर यू, एक्स इस ट्राइंगल के अंदर एक्स बाई साइन अल्फा इक्वल टू ए डी बाई साइन बीटा दैट इज साइन बी साइन पाई बाई 3, सिमिलरली इन दिस ट्राइंगल 3x बाई साइन बीटा इक्वल टू ए डी बाई साइन पाई बाई 4। नाउ डिवाइडिंग 2/1 और 1/2 यू गेट द रिजल्ट, आराम से समझ में आएगा, ये आपको मैं समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, योर रिजल्ट इज 1/√6। मैं बिना मतलब का फालतू बकवास करने कोई मतलब नहीं, आप इसको करते जाइएगा, वीडियो को पोज के माय डियर स्टूडेंट, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इसके बावजूद अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9898199867, यू कैन शूट मी योर डाउट, ठीक है, ऑन दिस नंबर आई एम रिप्लाई टू यू। पहले इसको नोट करो, अगला सवाल आपके लिए ये रहा, एक ट्राइंगल एबीसी है उसके अंदर ए कॉस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस सी कॉस ए बाई 2 इक्वल 3b/2 है, यानी ए बी सी आर इन व्हाट। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको हिंट देता हूं, कॉस ऑफ ए बाई 2 क्या हो गया, एस इंटू कॉस ए बाई 2 क्या बनेगा, एस एस माइनस ए बाई बी सी, एस इंटू एस माइनस ए बाई बी सी बन जाएगा ट्राइंगल ए बी सी में, ओके ये वाला यूज रखना, कैन यू डू इट, और ये सॉरी दिस अंडर रूट होगा एस इंटू एस माइनस ए बाई, तो हाफ एंगल साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 टेन ए बाई 2 ये तो आपको याद होना चाहिए, इसको यूज कीजिएगा, देन गेट रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी आपको मालूम पड़ेगा, कॉस ए बाई 2 हो गया, सो कॉस सी बाई 2 क्या हो गया, एस इंटू एस माइनस सी बाई ए बी, कॉस ए बाई 2 ये हो जाएगा और स्क्वायर रूट रेडिकल साइन हट जाएगा,
देन ट्राई कीजिएगा एबीसी में क्या रिलेशन मिलता है, आपको मिलेगा 4 मिनट का वक्त। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नाउ क्वेश्चन नंबर 1988 एंड दिस वाज फॉलोड बाय एनडीए ईयर आई डोंट रिमेंबर। ये हो गया आपका क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन मैंने बता दिया, अभी सॉल्यूशन देखिए आप। ए पढ़ा कॉस इसको सी बाई टू एस इंटू एस मैंने सी बाई ए बी, कॉस इसको ए बाई टू एस इंटू एस मीन ए बाई बी सी इक्वल 3/b। अब यहाँ से देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया। बी पढ़ा मल्टीप्लाइंग बाई टू बी, मल्टीप्लाइंग बाई टू बी, एलसीएम इज 2b है ना, मल्टीप्लाई 2b बोथ साइड, तो आपको 2s और उसके बाद में कॉमन ले लो, 2s कॉमन आ जाएगा, s माइनस सी प्लस s माइनस ए 3b स्क्वायर, 2s माइनस ए माइनस सी 3b स्क्वायर, 2s की जगह a प्लस बी प्लस सी लिख दिया, a कैंसिल हो जाएगा, सी सी कैंसिल, आपको b मिला, ये b और एक b 3b स्क्वायर हो गया। अब 2s की जगह वापस a प्लस बी प्लस लिख दो, ए प्लस बी प्लस सी 3b, तो ए प्लस सी इक्वल 2b, देयरफॉर ए बी सी आर इन AP, ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आया बच्चों? आ रहा है ऐसे ही और क्वेश्चन। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, द सम ऑफ रेडियस ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ रेगुलर पॉलीगन टॉप एंड साइड इज, यानी आप पता करेंगे आर प्लस आर। इस चैप्टर में मैंने जितने टॉपिक पढ़ाए, 9 टॉपिक्स यानी 9 डिफरेंट हेडिंग्स आपको पढ़ाए थे, सारे एक बार आपने लिख लिए हैं। जिन बच्चों ने लिख लिए उनको तो चैप्टर बहुत ईजी लग रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन आर प्लस आर, अगर आपको याद हो रहा होगा तो ये कितना आर प्लस आर इक्वल, मैं आपको 5 मिनट का वक्त देता हूँ, AIEEE 2003 का क्वेश्चन है, 5 मिनट का टाइम देता हूँ। तो दिस इज, अगर आपसे नहीं बात तो कोई बात नहीं, प्ले करके चेक कर लीजिएगा। ये हो गया a बाई टू कॉट पाई बाई एन, ये होगा कैपिटल R a बाई टू कोसेक पाई बाई एन। a बाई टू आप बाहर ले लो, अंदर साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, दिस इज कॉस पाई बाई एन बाई साइन पाई बाई एन, दिस इज 1/sin पाई बाई एन। एलसीएम ले लिया, a बाई टू इज आउट, साइन पाई बाई एन इज एलसीएम, ऊपर बचा कॉस पाई बाई एन प्लस 1, यानी मैं 1 + कॉस पाई बाई एन लिख दूंगा, आपको कुछ जाना पहचाना लगेगा। अब अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी अच्छे से तो आपको समस्या नहीं होगी, a बाई टू इज आउट, 1 + कॉस थीटा, 2 cos इसको थीटा बाई टू होता है, दिस इज 2 cos स्क्वायर पाई बाई टू एन, क्योंकि 1 + कॉस थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई टू होता है, और ये हो जाएगा 2 sin, मैं आप इसमें कन्वर्ट कर देता हूँ, पाई बाई टू एन कॉस पाई बाई टू एन, क्योंकि साइन थीटा 2 sin थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू होता है, ये भी आपको याद होगा, 11th क्लास में 3rd चैप्टर की आइडेंटिटी है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos कैंसिल, तो बचा cos बाई साइन, यानी आपको a बाई टू कोट पाई बाई टू एन बचा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये तो हमारे कुछ 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस था, आप मैं बोलूँगा 40-50 क्वेश्चन का और प्रैक्टिस करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखना है। See you in next video. Till then, bye bye. Have a nice day.